हमने कभी वो किया नहीं है तो हमको डर लगता है। और हमने सुना है कि जब वो पहली बार करते हैं तो बहुत दर्द होता है। तू समझा? और आपको तो हमारा गुस्सा पता ही है ना? नहीं। अगर हमने उन्हें गुस्से में कछू बोल दिया तो रिश्ता होने से पहले ही टूट जाएगा। हाँ, पहली बार भी थोड़ा बहुत दर्द होता है, लेकिन जब मजा आता है ना तो सारा दर्द छूमंतर हो जाता है। समझ रहे हो? तुम वो कहावत सुनी हो ना कि जब कान में खुजली होता है तो कान खुजाने में सबसे ज्यादा मजा किसको आता है? कान ही को आता है ना। बड़ा हरामी हो बेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। डर तो फिर भी लग रहा है। एक काम करते हैं, ब्याह से पहले तुम्हार को नो जुगाड़ बिठा देते हैं। क्या बात करता है यार? नहीं नहीं दीदी, ये तो और गलत हो जाएगा, उच नीच हो गया तो। अरे पागल, कुछ उच नीच नहीं होगा, सिर्फ ऊपर नीचे होगा। अरे गुड्डू, बाबूजी कहाँ हैं? उस्ताद बाहर गया है काम से। अच्छा अच्छा, ही बताओ आज कितनों को ठोकी हो? बस एक आदमी को। समझ रहे हो? वो आदमी बिल्कुल सीधे सीधे चले जा रहा था, जब देख रहा है कि मैं साइकिल चला रही हूँ, दूर नहीं खड़ा हो सकता था। बात तो सही है। तो बस हमने ठोक दिया। और गलती उस आदमी का ही होगा। क्या बात करता है यार? बिल्कुल उसी की ही गलती थी। अच्छा रंगीली, तुम ना साइकिल चलाना छोड़ो, अब तुम ना कार चलाना सीखो। नहीं। क्या कार चलाना सीखे? साइकिल से टक्कर मारती हो ना तो आदमी को कुछ नहीं होता। जब कार से टक्कर मारोगी ना तो आदमी जमीन से सीधा ऊपर। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। टांग खींच रहे हो हमारी? हम टांग खींचते नहीं, उठाते हैं। ये काला सांप बिल में घुसने की कोशिश कर रहा है। कौन सा बिल? वही बिल। समझ रहे हो? अब इस साले कलूटे, रुक अभी ब्रेक गांव को बुलाती हूँ। ये भगवान क्या जुलुम है। आज से तुम सब हमारी बहन हो, और गांव की जितनी लड़की है ना सब हमारी बहन है। बस हवा निकल गई। ऐसा कुछ हो मत करना, नहीं तो गांव के लोग ओखली में डाल के दाल की तरह पीस देंगे। नहीं नहीं, नहीं प्याज बुझाओ सांवरे की। नहीं दीदी, हमारी क्या मजाक, हम इनकी प्याज बुझाएंगे, हम तो खुद एक सूखा तालाब है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बात भी बता देंगे कि उसका चड्डी बनियान चोर भी तुम ही हो। तुम्हें कैसे पता? बड़ा हरामी हो बेटा। ऐसा गजब ना करो। अबे हट सा। पैर पड़ने के बजाय पैर सहला रहा है। कैसे कैसे लोग। लगता है दीदी ने इतना जल्दी जुगाड़ ढूंढ लिया हमारे लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे आइए आइए, अंदर आइए। वाह बेटा वाह पेलू, लगता है आज तो किस्मत भी साथ दे रही है। बॉय, बिना मांगे ही सब मिल रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। हमें बहुत डर लग रहा है। समझ रहे हो? समझ। हमारा पहली बार है ना। अब तुम्हें कैसे बताए। अच्छा, कोशिश तो हम बहुत किए हैं, पर हमरा भी पहली ही बार है। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। कहाँ खो गए आप? अरे कुछ नहीं, तुम काहे डर रही हो, हम है ना। एहे, रहा नहीं जा रहा। हमको पूरा अनुभव है, हम सब सिखा देंगे तुमको। ओके। क्या बात है चुनिया मेरी रानी, आज तो सामने से कॉल किया तुमने। तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। बॉय। अच्छा पहले ये बताओ, वो जो तुम्हारे चचा आए थे वो है या चले गए? नहीं। अरे नहीं ना, साला यही पैर जमा के बैठे हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तुमसे मिलना था, कोनो जुगाड़ करो ना। ओहो, तो तलब सही नहीं जा रही है मैडम से। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा वो सरकारी स्कूल वाला गोदाम है ना, आजकल खाली पड़ा रहता है, वहीं मिलते हैं। एहे, रहा नहीं जाता। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है, तो तुम रात को वहाँ पहुँच जाना, हम भी वहीं पहुँचेंगे। Okay. दर्द हुआ या मजा आया? मजा है दीदी। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।
राजा जी ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। वाह क्या सीन है। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, समझ रहे हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। क्या कर रही थी वहाँ पर? मुन्नी की स्वागत का वीडियो देख रहे थे, तुमसे तो कछु होगा नहीं। अरे मधुमती जी ये वीडियो सीडियो छोड़िए ना। नहीं ये देखो हम कड़क दंड मस्तानी तेल लेके आए हैं, जाके जाइए मालिश कीजिए। अरे ऐसे कैसे कर ले, ये तेल तुम्हारे हाथों से ही काम करेगा। ओहो हमारे हाथों में कोनो करंट है का? कि हमारे छूते ही तुम्हारा पिलपिला मुन्ना जाग जाएगा। एकदम सही कह रही हो। जब तुम अपने नरम नरम हाथों से हमारे पप्पू की मालिश करोगी ना तो करंट दौड़ जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। यही नहीं अभी और सुनिए। अरे मधुमती जी एक बार ट्राई करके तो देखो ना। ओके और ये तुम्हारा पिचकारी हमारे मुंह पर आ गया तो? अरे हाँ कुंजा तड़प ही ऐसी है, आ गई फिर से डिंग डोंग करने। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्यों क्या हो गया? हम अम्मा बनने वाले हैं। अच्छा अम्मा बनने वाले हैं? हाँ तुम्हारे बच्चे की अम्मा बनने वाले हैं हम। और हम इससे कौन सा सच्चा प्यार करते हैं? ये फंस गया सी है। चंदन कहाँ सोच रहे हो तुम, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, ये सबको पता चल जाए उससे पहले हम शादी कर लेते हैं। नहीं शादी और तुमसे पगला गई हो क्या? क्या तुम्हारे पास सबूत है कि ये बच्चा हमारा ही है? ये क्या बात करता है यार। यही नहीं अभी और सुनिए। देखो पूरे गांव को मालूम है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा किस किस के साथ संबंध रहता है। लेकिन तुम तो हमसे कहते थे ना कि तुम हमसे सच्चा प्यार करते हो। हम कोई सच्चा प्यार नहीं करते। देखो हमारा प्यार ना गली से शुरू होके इसी खेत में खत्म हो जाता है। बुआ जी आपने बुलाया? हाँ ऐसे ही अकेली थी, सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता लूं। क्यों नहीं बुआ जी? एक बात पूछूं? ओके पूछिए ना। आज तक बताओ तुम्हारी कितनी जीएफ थी? बस थोड़ी बहुत बुआ जी। थोड़ी बहुत मतलब प्रॉपर जीएफ? प्रॉपर मतलब? मतलब तुम्हारी बात उनके साथ कहाँ तक पहुँची थी? एहे रहा नहीं जाता। क्या बुआ जी आप भी ना। अरे बताओ तो यानी कितनी औसम है। बुआ जी एक बात बताऊँ, वो सारी की सारी ना अनएक्सपीरियंस वाली थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था उन्हें। सब कुछ ना बुआ जी मुझे ही सिखाना पड़ता था, उन्हें तो यहाँ तक सिखाना पड़ता था बुआ जी कब ऊपर जाना है कब नीचे जाना है। चूड़ी दिखा दीजिए। चूड़ी? अरे बेबी जी लहठी पहनी है ना, बनारस वाली स्पेशल। नहीं एक काम कीजिए आप चटी चोली दिखा दीजिए। ओके कौन साइज? साइज कोनो भी साइज दिखा दीजिए हम एडजस्ट कर लेंगे। अरे फाट जाएगा का? हमारा मतलब है चोली भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा ना, चोली का बटन टूट जाएगा। अच्छा पर साइज तो हमें नहीं पता। अरे डन टेंशन हम सैया सलमान है ना। अब बस ओढ़नी हटाइए। अरे साइज ले लेंगे। अब हमका हाथ लगाओगे? नहीं नहीं हम शर्मा जाएंगे। ओह यार अरे आप टेंशन मत लीजिए, आप बस ओढ़नी हटाइए, हम अपने आँख के कैमरे से फोटो खींच के समझ जाएंगे। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार।